बिस्मिल्ला रहमान रहीम असलैक्म फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूं अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं बहुत सी प्रॉब्लम से ग्रसित होती है जिस कारण से ही वो गर्भ धारण नहीं कर पाती तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा रामबाण उपाय लेकर आई हूँ जो सिर्फ आपको सात दिनों के लिए करना है इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प होगी कौन सा वो नुस्खा है कौन से पेशेंट के लिए कौन सी कंडीशन्स में काम आएगा कैसे इस्तेमाल करना है सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी इसलिए अगर आप लोग भी इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पे जानकारी देने वाली हूँ इसका नाम है कैस्टर ऑयल पैक इसको हम फर्टिलिटी पैक भी कहते हैं वैसे मैं कैस्टर ऑयल पैक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी लेकिन उसमें मैंने स्पेसिफिकली फेलिपिन ट्यूब के बारे में ही बताया है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैस्टर ऑयल पैक इस्तेमाल करने के और भी क्या क्या बेनिफिट है ताकि जितनी भी महिलाएं बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रसित है तो वो इसका इस्तेमाल करके इसके बेनिफिट उठा सके ऑयल पैक को कैस्टर ऑयल से किया जाता है इसके बहुत ही बेनिफिट है फ्रेंड फर्टिलिटी में ऑयल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड ऑयल आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है फ्रेंड ऑयल इस्तेमाल करने से जिन महिलाओं की यूट्रस में या फिर फिलिपिन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो वो दूर होती है अगर आपके यूट्रस में या फेलिपिन ट्यूब में सूजन है तो वो भी ठीक होती है। बहुत सी महिलाओं का अपने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट रीड किया होगा कि मैम मेरे यूट्रस में यानी गर्भाशय में सूजन आ गई है इसलिए बार बार यूरिन पास करने की जरूरत पड़ रही है तो अगर आपके गर्भाशय में सूजन आ गई है तभी भी आप कैस्टोरॉल पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे भी आपकी जो सूजन है वो खत्म हो जाएगी कैस्टर ऑयल पैक इस्तेमाल करने से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो सकती है जैसे एंडोमेट्रोसिस एडोनोमासिस फाइब्रोट पॉलिप इन सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं लेकिन अगर आप लोग लगातार तीन से चार महीने के लिए कैस्टोरॉल पैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फाइब्रोड पॉलिप ये अंदर ही नेचुरल तरीके से श्रिंक होना शुरू होता है अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो फ्रेंड इस कंडीशन में आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा लेकिन अगर आपके फाइब्रोड या पॉलिप का साइज छोटा है तो आप इस कंडीशन में कैस्टरल पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं ये नेचुरली अंदर श्रिंक हो जाएगा लेकिन हाँ साथ ही में आप लोग फ्लैक्सिट का भी एक चम्मच दिन भर में ज़रूर इस्तेमाल करें या फिर सीड साइक्लिंग करें सीड साइक्लिंग से भी फाइब्रोड पॉलिप एंडोमेट्रोसिस एडोनोमाइसिस जैसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है या तो आप सीट साइकिलिंग कीजिए या तो सिर्फ फ्लैक्सिट का इस्तेमाल कीजिए कैस्टोरॉल पैक के साथ में तो फ्रेंड कैस्टोरॉल पैक के बहुत बेनिफिट है ये आपकी ट्यूब्स को ओपन करता है डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि आपकी दोनों भी ट्यूब्स ब्लॉक है या एक ट्यूब ब्लॉक है आपको लैप्रोस्कोपी करवाना पड़ेगा या फिर आई के लिए जाइए लेकिन एक मामूली से नुस्खा फॉलो करके फ्रेंड आप लोग अपनी ट्यूब्स को नेचुरल तरीके से ओपन कर सकते हैं बिना एक रुपए खर्च किए मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट है जिन्होंने कैस्टरोल पैक का इस्तेमाल करके अपनी ट्यूब्स को नेचुरल तरीके से ओपन किया है तो फ्रेंड अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है एंडोमेट्रोसिस है फाइब्रोड है एडोनोमासिस है पॉलिव है यूट्रस के अंदर सूजन है या फिलिपिन ट्यूब में सूजन है तो इन सारी कंडीशन में आप लोग कैस्टोरॉल पैक का जरूर इस्तेमाल कीजिए इनशाला आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा तो चलिए फ्रेंड जानते हैं कैस्टोर पैक का इस्तेमाल कैसे करना है वैसे पैक कैसे कैसे बनाया जाता और कैसे अप्लाई किया जाता है है और अप्लाई किया इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ बॉक्स में मिल जाएगा जहां पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या कीजिए आप या तो एक छोटा हैंकी ले लीजिए या सूती का कपड़ा ले लीजिए उस सूती के कपड़े के अंदर आपको क्या करना है कैस्टोरॉल डालना है कैस्टर ऑयल उतना ही डालना है कि वो कपड़ा अच्छी तरीके से उस ऑयल को सोक कर ले ध्यान रखिएगा कि कपड़े में से ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए कपड़े के अंदर ऑयल अच्छी तरीके से सोक हो जाना चाहिए अब इस कपड़े को आपको अपने पेट पे रखना है अब फ्रेंड आपकी जो नाभी होती है जो गोल सर्कल होता है उसके बीचों बीच इस कपड़े को रख दीजिए नाभि के ऊपर आधा कपड़ा होना चाहिए और नाभि के नीचे आधा कपड़ा होना चाहिए अब आप क्या करेंगे फ्रेंड आपने जो कपड़ा अपने पेट पर रखा है उसके ऊपर आप एक छोटा सा प्लास्टिक का बैग रखेंगे प्लास्टिक का बैग रखने के बाद में आप उस पर एक छोटी सी पतली टावल रख देंगे और उसके ऊपर हीटिंग बैग रखेंगे अगर आपके पास हीटिंग बैग है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप कोई भी गर्म कपड़ा रख सकते हैं लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप हीटिंग बैग ही रखिए ताकि अच्छी तरीके से हीट अंदर जा सके हीटिंग बैग रखने के बाद में ये प्रोसीजर आपको लगभग पंद्रह से बीस मिनट के लिए करना है किसी भी समय आपको नहीं करना फ्रेंड आप इसको शाम के समय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा पाँच से छह बजे के बीच में आप कीजिए लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो आधे घंटे पहले से ही आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो ये प्रोसीजर आपको 15 से 20 मिनट के लिए करना है बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं सोचते हैं कि रात को हम करके सो जाएंगे तो ऐसा मत कीजिए आपको ये प्रोसीजर शाम के वक्त करना है अगर इन केस आपको शाम में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप मॉर्निंग में कर लीजिए लेकिन आधे घंटे पहले से ही आपको कुछ भी नहीं खाना है फ्रेंड ये प्रोसीजर सिर्फ आपको सात दिनों तक करना है मान लीजिए आपके पीरियड चार दिन तक चलते हैं चार दिन के बाद में जो पांचवा दिन आता है उस पांचवे दिन से आप इस कैस्टोरॉल पैक को इस्तेमाल करेंगे और लगातार सात दिनों तक करेंगे एक भी दिन का आपको गैप नहीं देना है एक भी दिन का नागा नहीं करना है लगातार सात दिनों तक कैस्टोरॉल पैक को इस्तेमाल करना है और उसके बाद में आपको ये प्रोसीजर छोड़ देना है बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि हमारे पीरियड इरेग्युलर है हमारे पीरियड का साइकिल है तो भी क्या हमें सिर्फ डेज ही करना है तो जी हाँ सब लोगों के लिए प्रोसीजर एक ही रहेगा पीरियड खत्म होने के बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट करना है और सात दिनों तक यानी एक हफ्ते तक कंटिन्यू रख के छोड़ देना है एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड मैं आपको बता दूं कैस्टोरॉल पैक का इस्तेमाल आपको पीरियड के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना और ओवलेशन पीरियड के बाद नहीं करना ओवोलेशन होने से पहले पहले ही आपको ये सात दिन प्रोसीजर करके छोड़ देना है बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी ये सोचते हैं कि मे भी हमारी ट्यूब ब्लॉक होगी तो हम कैस्ट्रोलर पैक इस्तेमाल करके उसको अनलॉक कर लेते हैं तो ऐसी गलती मत कीजिए जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है इसके लिए एक टेस्ट आता है फ्रेंड एच टेस्ट जिसमें एक्सरे के थ्रू ये देखा जाता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या नहीं मानती हूँ मैं ये थोड़ा पेनफुल होता है लेकिन आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी ट्यूब कहीं ब्लॉक तो नहीं है जो गर्भ धारण करने में रुकावट दे रही है अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है उसी कंडीशन में कैस्टोरॉल पैक का इस्तेमाल कीजिए एक ट्राई लेने के लिए या फिर अंदाजा लगाने के लिए बिल्कुल भी कैस्टोरॉल पैक का इस्तेमाल ना करें मैंने इस वीडियो में, 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 में इस्तेमाल करें अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है इनमें से कोई भी कंडीशन आपको नहीं है तो कैस्टोरॉल पैक इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप इस्तेमाल करते तो इसके कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है इन सारी प्रॉब्लम में से कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो कैस्टोर पैक का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें आई होगा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आपके आस पड़ोस में फ्रेंड सर्कल में कोई इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें फ्रेंड अगर आप लोगों को ओवोलेशन डेज ट्रैक करने में डिफिकल्टी आ रही है तो सिंपली हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे आपको फ्री डाइट डाइटशेट मिलता है ओवोलेशन कैलकुलेटर मिलता है और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है तो कंसीव करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर ले ये हमारा ही एप्लीकेशन है और आप लोग तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग और इनफर्टिलिटी आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग मुझे हीना फरीदी जीरो जी मेल डॉट कॉम इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना टाइप करके भेजना है आई वॉन्ट कंसल्टेशन आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनदर टॉपिक के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज